नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। इमेज कैसे फॉर्म होती है कंकेव मिरर में वो हम देखते हैं कैसे बनती है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, वो रूल देखो क्या होते हैं। अगर आपकी पैरेलल रे जा रही है, कंकेव मिरर का केस ले रहे हैं हम, कंकेव मिरर में अगर हमारे पास पैरेलल रे जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रे जो पैरेलल रे होगी वो रिफ्लेक्ट बैक कहां से होगी, वो कहां से पास आउट होगी, वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, a ray of light which is parallel to the principal axis of the concave mirror passes through the principal focus after the reflection from the mirror. ye baat hai ki agar aapki parallel ray aa rahi hai to the principal axis, to wo kahan se pass out hogi after reflection from the principal focus. next jo rule hai iska kya hai wo dekho, मिरर के ऊपर। तो अगर पैरेलल रे जा रही है
पास आउट टू द फोकस प्रिंसिपल फोकस. अगर आप सेकेंडरी ले रहे हो, सेकेंडरी कहाँ से पास आउट करवा रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हो, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास आउट होगी, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज अगर ये आपस में क्या है, पैरेलल रेज आ रही है, तो पैरेलल रेज कहाँ पे मीट होती है, आप अज्यूम कर लेते हो कि वो इमेज कहाँ पे मिलेगी आपको, इंफिनिटी पे मिलेगी. ठीक है, इसमें आपकी इमेज क्या है, आपस में आगे इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट आपकी ऊपर की साइड है और इमेज कहाँ मिल रही है, नीचे की साइड मिल रही है, और एक्चुअल में मीट होती दिखाई देगी ना, क्योंकि रे क्या है, एक्चुअल में मीट होगी, तो रे क्या होगी, आपकी ऑब्जेक्ट इमेज भी क्या होगी, रियल एंड इनवर्ड, रियल है एक्चुअल में मीट हो रही है और क्या अपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे मिल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसलिए क्या आपकी इमेज क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड होगी. और जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, हाईली एंड लार्ज, क्योंकि आपकी जो रे है वो कहाँ पे मीट हो रही है, इंफिनिटी पे मीट हो रही है, तो आपका साइज क्या होगा, हाईली एंड लार्ज. थर्ड केस है आपका, अगर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो. अब देखो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, आपके ऑब्जेक्ट ए और बी है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. अब आप क्या कर ले रहे हो कि आपकी रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो रे कहाँ से पास आउट होगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. अगर अब आप सेकेंड रे ले रहे हो, सेकेंड रे आप कहाँ से पास आउट करवा रहे हो, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो किसके रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसके में क्या है, आपकी इमेज कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है ना, तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी, आपकी इमेज क्या है, ए डैश और बी डैश. अब आप क्या है, इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है, और क्या अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, ऑब्जेक्ट में तो क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड होगी, और साइज क्या है, मैग्नीफाइड साइज. नेक्स्ट है इसका केस है, तो फोर्थ केस है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है आपकी ए और बी साइज की है ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, अगर रे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करवा रहे हो मिरर के ऊपर, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे रे कहां से पास होगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट रे ले रहे हो आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रे भी कहां से पास आउट होगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो इमेज कहां पे होगी, जहां पे आपकी रे मीट करे, एक्चुअल में मीट करे, तो रे कहां पे मीट कर रही है आपकी, बी डैश और ए डैश. तो जितनी साइज का आपकी ऑब्जेक्ट थी, उतनी साइज की आपको इमेज मिल रही है, और क्या है, रियल में मिल रही है, और क्या है ये, रियल एंड इनवर्टेड. नेक्स्ट केस है आपका, अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हो, बियॉन्ड सी रख रहे हो मतलब बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख रहे हो, आप देखो इस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी. अब आप क्या ले, पैरेलल ले रहे हो टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखो आपकी इमेज पैरेलल ले रहे हो, तो कहाँ से पास आउट होगी, वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से ले रहे हो. नेक्स्ट रे कौन सी ले रहे हो आप, कहाँ से पास आउट हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, कहाँ से जाएगी वो वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी. तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी. तो आपकी इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड है ना, बहुत छोटा सा साइज मिल रहा है ना आपको, और कहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रही है ना आपकी रे, ए डैश और बी डैश पे. तो आपकी इमेज क्या है, रियल है और इनवर्टेड है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल बन रही है, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को रखा उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको इमेज हो रही है. तो इसमें क्या है, रियल है आपकी, इनवर्टेड है और डिमिनिश्ड है, बहुत छोटे से साइज. नेक्स्ट केस आपका लास्ट केस है, सिक्स्थ केस, दिस इज योर लास्ट केस. अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हो, इंफिनिटी पे रख रहे हो, इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आएगी तो कहाँ से पास आउट होगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से. प्रिंसिपल फोकस से पास हुए और पास आउट हुई तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस के पॉइंट में. बट इमेज जो मिल रही है वो किसके फॉर्म में मिल रही है, एज ए पॉइंट की फॉर्म में मिल रही है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड. और जो आपकी रे है वो एक्चुअली मीट कर रही है, तो आपकी इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा. अब देखो ये बता रखी है टेबल की, एक्स
साइज मिल रहा है उसका क्या मिल रहा है, एंड लार्ज मिल रहा था, और कौन सी इमेज मिली थी आपको वर्चुअल और इरेक्ट, जो आपको अपीयरेंट मिली थी, आप उसको अज्यूम कर रहे थे कि आपकी इमेज वहां पे फॉर्म होगी। अगर आप नेक्स्ट आपका अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, और जो उसका साइज होगा कितना होगा, हाईली एंड लार्ज होगा, वो क्या होगी जो उसकी इमेज होगी कौन से टाइप की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस है अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और सी रखते हो, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो, तो आपको इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बी और सी, सी से पीछे, और जो साइज होगा उसका क्या होगा, एंड लार्ज होगा, और जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो तो आपको इमेज भी कहां पे फॉर्म होगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस साइड की आपने ऑब्जेक्ट लिया उस साइड की आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, और क्या मिलेगी इसका कैसे होगी, वो रियल और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस है जो आपका, आपने ऑब्जेक्ट को बी और सी, सी से पीछे रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख रहे हो, तो आपको इमेज कहां पे फॉर्म होगी, बिटवीन एफ और सी, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और जो उसका साइड होगा वो क्या होगा, डिमिनिश होगा, वो छोटा होगा, इसलिए आपकी जो इमेज है वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। लास्ट केस है अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो, इंफिनिटी से क्या होता है, एंगल रे जाती है, तो आपको इमेज कहां पे मिलेगी, फोकस में मिलेगी, और जो उसका साइड होगा एज एंड वाइट होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, और वो एक्चुअल में मीट कर रही है, इसलिए हमें क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये केस है, इसे ये आप लोगों को स्टडी करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास।